मम्मी, नौफल को होश आ गया। सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। तुम एक काम करो ना, असद से कहो जल्दी से वीडियो कॉल पे बात कराए, अम्मा भी देख लेंगी। मैं भी। अम्मी, नौफल को आराम के लिए कहा है डॉक्टर ने, सुबह आ जाएगा इंशाल्लाह। सच कह रही हो ना? बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप परेशान ना। उफ अल्लाह शुक्र है अम्मा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, बच्चा होश में आ गया। मुबारक हो। मैं आप लोगों के लिए खाना लेके आती हूँ, सुबह से कुछ नहीं। लेके आओ बेटा, घर आए बच्चा तो उसका सदका उतार लेना। जरूर, शुक्र अल्लाह का शुक्र। दुआएं की है ना आपने? मैं नौफल से शादी नहीं करूंगी, और अगर मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की तो मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। क्या उसे इस घर से अपने मां बाप से दूर होने का कोई गम नहीं? कैसे नाजों से पाला था उसे, हमेशा उसकी हर खुशी हर ख्वाहिश पूरी की थी, और बदले में उसने क्या दिया? जिल्लत और रुसवाई। बेटा, मैं समझ सकती हूं तुम्हारा दुख। इंसान तो अगर कोई जानवर भी पालता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है, औलाद तो फिर जिगर का टुकड़ा। मेरी कोई औलाद नहीं है अम्मा, जो थी वो कल मर गई और मुझे जिंदा नहीं हुआ करते। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, आखिर वो हमारी औलाद है, जो भी था हम भुला तो नहीं सकते इसे। कितना बड़ा बेडरूम है और कितना शानदार फर्नीचर है। एक वो मेरा कमरा था, डरपा जैसा। उसमें दादी को कितना घमंड है, खानदानी रवायात और खानदानी वकार का राग लापती रहती है। उस कोठरी नुमा घर में रहने वालों का क्या खानदानी वकार होगा भला? खानदानी वकार तो इस महल जैसे घर का है।